देखिए, अब हम आपको इंटीग्रेशन बता रहे हैं। इंटीग्रेशन कल हम आपको फॉर्मूला लिखा दिए थे सब। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को आई से लिखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 डीएक्स। अब क्या है, ये आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 डीएक्स है, तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। एक्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन हमारा क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1, पावर में एक जुटता है बाय टोटल से डिवाइड हो जाता है, टोटल पावर से डिवाइड हो जाता है प्लस c, ये ऐसे देखिए। तो यहां पर क्या होगा, पावर में एक जुटेगा बाय ये टोटल से डिवाइड हो जाएगा प्लस c, तो हमारा i इज इक्वल टू हो गया x टू द पावर 8 बाय 8 प्लस c, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए है x टू i इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन, i इक्वल टू x टू द पावर माइनस 7 dx, तो ये क्या होगा, ये i इज इक्वल टू ये पावर में एक जुटेगा बाय टोटल से डिवाइड होगा, यही फॉर्मूला से प्लस c, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू x टू द पावर माइनस 6 बाई माइनस 6 प्लस c, या इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस आगे लगा दीजिए ऊपर बाय 6, ये x टू द पावर माइनस 6 नीचे आकर प्लस 6, या तो यहाँ आंसर या तो यहाँ आंसर होगा। देखिए यह है इंटीग्रेशन का तरीका, बनाने का तरीका। देखिए अगला है यहाँ पर ये तीन नंबर, i इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1, तो आप सोचेंगे कि पावर में एक जोड़ेंगे या पावर में टोटल से डिवाइड करेंगे, अगर आप सोचिएगा कि पावर में एक जोड़ दे या टोटल से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, तो नहीं होगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये x टू द पावर माइनस 1 को 1 बाई x लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे जाएगा तो 1 बाई x हो जाएगा, और हम कल ही बताए थे आपको कि log x का dy by dx log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, 1 by x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, ये हो जाएगा log x। हम बताए थे ना कल, तो यहां पर देखिए इसका हो जाएगा log x, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x, 1 by x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। अब देखिए इसमें क्या होगा, सेम टू सेम बात, पावर में एक जुटेगा और टोटल से डिवाइड होगा प्लस c। देखिए i इज इक्वल टू यहां पर 3 LCM ले लेंगे, देखिए x टू द पावर ये बाय 1, तो 3 LCM ले लेंगे तो 5 प्लस 3 यहां भी हो जाएगा 5 प्लस 3 बाई 3, यहां पर लिख सकते हैं x टू द पावर 8 बाई 3, ये भी 8 बाई 3, ये 3 प्लॉट के ऊपर जाएगा, 3 x टू द पावर 8 बाई 3 बाई 8 प्लस c यहां पर जोड़ देंगे, देखिए ये हो गया हमारा रिजल्ट। देखिए अगला क्या है हमारा, यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए एक फॉर्मूला a टू द पावर x dx का होता है, a टू द पावर x बाई log x प्लस c, ये होता है एक, ये फॉर्मूला है आपका। देखिए यहां पर यही फॉर्मूला, a के जगह पर 2 है, पावर वेरिएबल है x, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर x बाई log 2 प्लस c, ये जोड़ देंगे इस फॉर्मूला से, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए इसका कैसे होगा, i अब ये है क्यूब रूट है, तो x स्क्वायर पर क्यूब रूट का मतलब 1 बाई 3, क्यूब रूट का मतलब 1 बाई 3, तो ये अंदर और बाहर के पावर में इंटू होगा, तो ये 2 बाई 3, 2 इंटू 1 बाई 3 होगा, तो 2 बाई 3, ये हो गया।
अब इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1 जोड़ेंगे, देखिए 1 जोड़ेंगे बाय टोटल से डिवाइड कर देंगे 2/3 + 1। यहां पर एलसीएम एक ले लीजिए 2/3 + 1 = 3, 2 + 3 = 5/3 होता है, 5/3 हो गया ना। तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई, ये भी 5/3, इसको लिख सकते हैं हम 3 ऊपर चला जाएगा, देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 3x^5/3/5 + c जोड़ दीजिए, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।